बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। और ये लें जी, आज की वीडियो में है आपके लिए क्या। आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले बॉर्जिन शूज़ पे सेल लगी हुई थी। अब वो सेल तो ख़त्म हो गई है, पर अभी जो है आया है न्यू अराइवल, और वो दिखाने के लिए मैं आपके लिए लाई हूँ बॉर्जिन शूज़ एंड बैग्स का अच्छा सा एक व्लॉग। और आप लोग इसको देखिए, और जो जो आपको अच्छा लगे तो वो ज़रूर जाके ख़रीद लीजिए, क्योंकि ऐसी चीज़ें बार बार नहीं मिलती। स्टार्ट में इन्होंने स्टार्स ऑफ द वीक डिस्प्ले किए हुए थे, तो यहाँ पर जो सबसे बेस्ट वाले आइटम्स हैं ना, वो आपके सामने डिस्प्ले हुए हुए हैं। इनमें फॉर्मल शूज़ और फैंसी एंड फॉर्मल और जॉगर्स भी हैं। तो यहाँ पे आपको मैं दिखाती हूँ विंटर्स के जो न्यू अराइवल हैं, वो ये है कि शूज़ जो हैं, आपको पता है विंटर्स में तो शूज़ ही यूज़ किए जाते हैं, तो यहाँ पे कोट शूज़ और पम्प्स और बहुत अच्छी वैरायटी है, यानी सबकी चॉइस का हर तरह का जूता यहाँ पर अवेलेबल है। प्राइस रेंज जो है 1000 से स्टार्ट हो रही थी और 5000 तक जा रही थी। एक एक शूज़ की प्राइस मैं दिखा नहीं सकी, पर ये है कि आपको उनके डिज़ाइंस दिखा दिए। तो यहाँ पर चलते हैं हम बैग्स की तरफ। मेन चीज़ जो है बैग्स को ही मैं आपको दिखाना चाह रही थी। यहाँ पे इनकी प्राइसेस मैंने नोट कर ली थी। 1990 की ये जो रेंज है, ये सब जो है 1990 में थे, यानी कि ये बहुत बड़े बैग्स नहीं हैं, पर बहुत छोटे भी नहीं हैं। नॉर्मल वाले बैग्स हैं जो आजकल फैशन में बहुत ज़्यादा इन हैं, तो इनकी प्राइसेस तकरीबन सेम है। ये सब जो मैंने आपको दिखाए हैं इस वाले रैक पे जो हैं, सारे जो हैं इनकी प्राइसेस 1990 थी, और ये मैंने मेंशन कर दी है आपके सामने। और देखिए कितने अच्छे से, जो आजकल बिल्कुल लेटेस्ट डिज़ाइंस चल रहे हैं वो सारे हैं, और बहुत अच्छे डिज़ाइंस आए हुए थे जो मुझे सारे के सारे बहुत अच्छे लग रहे थे। इसको देखें, ये आई थिंक 1890 का है जी, 1890 का ये बैग है, और थोड़ा सा डिफरेंट डिज़ाइन है, और आई थिंक साइज़ तो उतना ही है जितना 1990 वाला है, पर ये बहुत अच्छे बैग्स हैं, दिखने में भी बहुत अच्छे थे, क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छे थे। और यहाँ पे फैंसी जो है आप फंक्शनल यूज़ कर सकते हैं बैग्स, ये बैग्स आ गए हैं जनाब, और इनको देखें, आपको उम्मीद है ये भी बहुत अच्छे लग रहे होंगे। जिसने अगर कोई फंक्शंस आने वाले हैं तो आप लोग ज़रूर बाय कर सकते हैं। इसमें इसकी प्राइस है 2590, और ये दो कलर्स हैं इसमें, रेड एंड ब्लैक। और ये वाला बैग मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, रिसेंट सा बैग है, इसकी 1990 प्राइस है, और बड़ा अच्छा सा यूनिक सा डिफरेंट स्टाइल है, पिंक भी बहुत अच्छा है। और रेड वाला मैं आपको दोबारा से दिखाने आई, ये भी बहुत अच्छा, सेम प्राइस है इसकी ब्लैक वाली 2590। तो आपको यकीनन अब जिसको रेड अच्छा लगेगा वो रेड लेगा, और जिसको ब्लैक अच्छा लगेगा तो वो ब्लैक ले लेगा। और ये बड़ा वाला, ये थोड़ा बिग वाला बैग है, तो ये जो है 2290 का बैग है, पर बहुत अच्छा था क्वालिटी वाइज भी और साइज़ वाइज भी, जिनको बड़े बैग्स चाहिए होते हैं तो उनके लिए बेस्ट है। और इसके साथ जो है यहाँ सबसे नीचे एम्ब्रॉयडर्ड बैग्स पड़े हुए थे बहुत अच्छे से, और इनकी प्राइस थी 2990। बड़े अच्छे से इसमें दो कलर्स थे, ऑफ वाइट एंड ब्लैक। दोनों कलर्स ऐसे हैं कि आप हर कपड़ों के साथ यूज़ कर सकते हैं, यानी हर कलर के साथ, तो बहुत अच्छे, प्राइस भी अच्छी थी और बैग्स भी अच्छे थे। तो यहाँ पे ये पिंक कलर मुझे बड़ा अट्रैक्ट कर रहा होता है, मुझे बैग्स में भी अच्छा लगता है, तो पिंक कलर के बैग्स में मैंने देखा, इसकी 2290 प्राइस है, ये वो बड़ा वाला बैग है जो ब्लैक आपको दिखाया था। उसके साथ का दूसरा आई थिंक सेम है, और उसके बाद जो ये वाले दोनों बैग्स हैं इनकी प्राइस आपको मैं बताती हूँ। इसकी प्राइस है 2590, ये भी बहुत अच्छा बैग है, इसकी क्वालिटी वाइज भी और लुक भी बहुत अच्छी और बहुत प्यारी है, डिफरेंट सी, और जो है आजकल के स्टाइल में बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ नीचे एक बैग था 2490 का, ये बैग है, ये भी बहुत बड़ा बैग नहीं है, नॉर्मल ये मीडियम बैग्स जो होते हैं ये वैसा बैग है, पर ये भी बहुत अच्छा था। इधर ये सारे पिंक और ये जो रेड बैग है इनकी 1990 प्राइस है, और ये नॉर्मल छोटा वाला बैग है, हैंड बैग है, ये आप इसको हैंड में कैरी कर सकते हैं। और ये रेड वाला बैग भी जो है ये भी फंक्शंस में भी यूज़ हो सकता है, और वैसे आम कैजुअल भी आप यूज़ कर सकते हैं। और उम्मीद है आपको ये सारे जो बैग्स हैं इनकी क्वालिटी वाइज और इनके डिज़ाइंस दोनों बहुत अच्छे लग रहे होंगे, प्राइसेस भी बहुत अच्छी हैं। अभी पीछे सेल गुजरी है, मैंने उनसे पूछा था कि न्यू, अब ये न्यू आए इन पर सेल कब है, पर वो कह रहे थे अभी नहीं है। ये 2990 का ये बैग है, बहुत अच्छा प्यारा सा, फंक्शंस में इसको यूज़ किया जा सकता है। और यहाँ पर स्टॉल्स थे जिन पर ऑफ नहीं था, एक लकीली मुझे मिला जो 750 का था पहले, पर 380 का हो गया था, और बाकी जो है उनकी प्राइसेस 990, 780 इस तरह से थी। पर ये है कि बहुत अच्छे सॉफ्ट स्टफ़ था इनका, अच्छे वाले स्टॉल्स हैं, और आप लोग इनको बड़े अच्छा, यानी कंफर्टेबल हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं, विंटर्स और समर दोनों के लिए ही अच्छे हैं।
ये ब्लैक वाला मुझे अच्छा लग रहा था, इसकी प्राइस फिर मैंने देखी और इसकी प्राइस थी 990। अमूमन जो है ज़्यादातर जो थे वो 990 वाले ही हैं सारे, पर बीच में कुछ 780 वाले भी हैं। ये पिंक वाला, ये भी सिंपल सा मुझे अच्छा लग रहा था, ये 790 का है। और इसी तरह मैं आपको बस दिखाने के लिए जो है सबकी प्राइसेस चेक कर रही थी और देख रही थी कि क्या क्या प्राइसेस हैं और किस तरह का स्टफ़ है। तो सारे ही बहुत अच्छे थे, अपनी अपनी जगह पे सब बहुत बेस्ट थे। और ये वाला जो है ये इसकी प्राइस है 990 और स्टफ़ वाइज बहुत अच्छा था। ये वाला लाइट कलर भी लाइट है और अच्छा सा प्यारा सा है। तो ये जो है ये कुछ जो आप कैजुअल वेयर के लिए जो जूते हैं, बड़े कंफर्टेबल वाले शूज़ जो हैं, स्लीपर्स, तो इनकी भी बड़ी अच्छी डिज़ाइंस आए हुए थे। तो ये मैंने कहा ये भी आपको दिखा दूं। और हम जिस मकसद के लिए गए थे वो मकसद ये था कि हम लोग गए थे शॉपिंग करने, अपनी शॉपिंग नहीं, राफ़े की नहीं, बल्कि राफ़े के बाबा की शॉपिंग थी। उन्होंने लेने थे जॉगर्स और ये आपने देखे होंगे स्टार्ट में, स्टार्स ऑफ द वीक में जो जॉगर पड़े हुए थे वो उनमें से लिए हैं। काफ़ी सारे देखे थे पर ये वाला अच्छा लगा, है भी बहुत प्यारा और अच्छा सा। तो ये उन्होंने फिर पहन के चेक भी करवाया, मैंने कहा आप हमें चल के भी दिखाएं और कैसा लग रहा है ये भी बताइएगा। इनकी जॉगर्स की जो प्राइस रेंज थी ये थी 5000 से स्टार्ट हो रहे थे 8000 तक, तो इस तरह ये रेंज है। लेकिन सब जो हैं बहुत अच्छे हैं क्वालिटी वाइज भी और देखने में भी, लुक भी बहुत अच्छी है। यहाँ पे जो है पहन कर चेक कर रहे थे, राफे देख रहा है उनको और राफे देखने में ही बड़ा खुश हो रहा था सारा कि बाबा जॉगर्स पहन रहे हैं और सारा देख रहे हैं। मैंने कहा थोड़ी सी मेरे लिए मॉडलिंग तो करके दिखाएं और जी राफे के बाबा ने हमारे लिए कर ली थोड़ी सी मॉडलिंग और ये शूज़ लिए हैं उन्होंने। तो साथ इसके साथ मैंने कहा आप लोगों के लिए थोड़ा सा जो है मैं प्राइसेस और थोड़ी सी जो न्यू अराइवल है वो दिखा दूँ आपको। उम्मीद है आपको ये मेरी जो अपडेट है, फैशन अपडेट ऑफ शूज़ एंड बैग्स, बहुत अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आप सब मेरी दुआओं में हैं शामिल। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।